दोस्तों आज है इंडिया वर्सेस हांगकांग का फुटबॉल मैच और आज हम जा रहे हैं कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में। चारों तरफ आपको क्राउड दिख पा रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों जिनको भी नहीं पता है उन सभी को बता दें, ये फुटबॉल मैच का टिकट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बुक माई शो या अगल बगल जो भी आपका ईस्ट बंगाल मोहन बगान जितने भी स्टेडियम है या अगल बगल आप पता करते हो वो सब जगह पे आपको आराम से उपलब्ध मिल जाएगी। जब मैच है उसके एक दो दिन पहले करीबन इनका टाइम है सुबह 10 बजे, दोपहर में 2 बजे और शाम के 6 बजे के करीब, और भी आपको बहुत जगह से ये टिकट मिल जाएगा। आ चुके हैं हयात रेसिडेंसी के पास, ये रहा हयात होटल और इसी के ठीक बगल में जो लाइटिंग आपको दिख रहा होगा वो है सॉल्ट लेक स्टेडियम। और ये देखिए ये क्राउड, ये देश में पूरे क्रिकेट का फैंस है लेकिन आपको वेस्ट बंगाल में जितना क्रिकेट का है उतना ही आपको फुटबॉल का भी मिलेंगे। पूरा रास्ता जाम है, ये जो भी सामने जा रहे हैं सारे फुटबॉल लवर्स। तो दिख जाएगा जो इंडिया का झंडा वंडा या जिसको कलर वलर करवाना है इंडिया के कलर का। दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा इंडिया के सुनील छेत्री का जो क्रेज लेवल है, लोग इनके टी शर्ट पहन के जाते हुए अंदर की तरफ। अभी रोनाल्डो के बाद अगर गोल वाइज बात करें तो छेत्री का ही नंबर आता है। हम लोग पहुँच चुके हैं गेट नंबर 1 के पास सॉल्ट लेक स्टेडियम में। जिन सभी को सॉल्ट लेक स्टेडियम आना है वो हयात होटल आ जाइए। और ये रहा टिकट इंडिया वर्सेज हांगकॉन्ग। और ये हमारा दोस्त लोग, हम सभी आ चुके हैं गेट नंबर 1 के पास। सॉल्ट लेक स्टेडियम में भी काफ़ी ज़्यादा गेट्स हैं और आपको हो सकता है हमारी आवाज़ के लिए नहीं आ रही हो क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों आपने इंडिया में बहुत सारे क्रिकेट के फैंस देखे होंगे लेकिन ये देखिए आप फुटबॉल लवर्स, पूरे लाइन से आपको जहाँ तक नज़र जाता है पूरा आपको फुटबॉल लवर्स दिखेगा। मेरा फेस थोड़ा डल हो चुका है क्योंकि काफ़ी भीड़ है और पसीना पूरा भर चुका है। अगर आप सभी का कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आप सभी का आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो आप सभी हमारे ब्लॉग में बने रहिए, पूरे जर्नी में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाली है और आपको पूरा गाइड एंड टूर करेंगे कैसे स्टेडियम में जाना होता है, कहाँ पर ये स्टेडियम, कितने सारे गेट्स हैं और भी बहुत कुछ है दिखाने को बताने को। सब कुछ आपको एक साथ ही अगर बता देंगे तो आप शायद वीडियो ना देखो। दोस्तों आप सभी को पूरा जर्नी दिखाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, आप सभी हमारे साथ वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। दोस्तों हम लोग फाइनली अंदर एंटर कर चुके हैं। तो दोस्तों ये रहा सॉल्ट लेक स्टेडियम। तो दोस्तों ये सभी आपको क्रेज दिख रहा होगा, यहाँ से ये काफ़ी खूबसूरत स्टेडियम है। अगर आप नहीं आए हो तो कम से कम एक बार तो आओ फुटबॉल देखने, क्योंकि हमारे देश में फुटबॉल का क्रेज़ काफ़ी बढ़ता हुआ और वैसे भी वेस्ट बंगाल में पहले से ही बढ़ता हुआ है क्रेज़। तो दोस्तों ये है इंडिया वर्सेस हांगकांग के मैच देखने आए हुए लोगों का क्राउड। अब जितना भी गेट दिख रहा होगा सब में ऐसा ही भीड़ है। नीचे का टियर और हमारा टियर ये है, ये है पूरा स्टेडियम का नज़ारा। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं स्टेडियम के अंदर। ये हमारे दोस्त, जर्नी आप सभी को दिखाना और आप सभी को दिखाएंगे कि स्टेडियम के अंदर का कुछ फुटेज कैसा होता है।
का फ्लैश का लाइट चमकता हुआ, यहाँ तक दूर तक नजर जाती है चारों तरफ फ्लैश। दोस्तों यहाँ पे बारिश शुरू हो चुका है और ऐसा करने से स्नोफॉल हो रहा है। देखो स्नोफॉल हो चुके, ये देखो स्नो स्टेडियम एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और आप सब क्राउड देख ही पा रहे होंगे, ये इंडिया वर्सेस हांगकांग के मैच में आई हुई क्राउड है, काफ़ी ज़्यादा भीड़, पूरा स्टेडियम भरा हुआ, क्योंकि टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको टिकट लेना है तो बुक माई शो से बुक कर सकते हैं या ईस्ट बंगाल मोहन बगान वहाँ के क्लब से भी आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी और क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो अगर आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी आप सभी से एक नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।